आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, अगर आप भगताई का झाड़ फूंक का काम करते हैं, आपकी गद्दी के ऊपर, आपके वचनों के ऊपर, कोई भी तांत्रिक बंधन है, तो हर बंधन को दूर करेगा ये तीन शक्ति का चमत्कारी उपाय। और इस उपाय को आप खुद ही कर सकते हैं। एक दिन में आपको हर बुरी शक्ति के बंधन से मुक्ति दिलाएगा ये चमत्कारी उपाय। अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई बंधन लगा हुआ है, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप भी इस उपाय को करने के बाद आप हर बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे मंत्रों की जानकारी देता रहता हूँ जिनसे आपको साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और कुछ उपाय, कुछ टोटके मैं ऐसे आपको बताता हूँ जिनसे आप अपने दुखों से निजात पा सकते हैं, आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, पूरे घर परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं और सामने वाले की सुरक्षा कर सकते हैं इन टोटकों के द्वारा, उपायों के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा। और इसी लड़ी में आज यह जो उपाय, यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके लिए आपने देखो किसी मंत्र का भी जाप नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना और किसी साधक, किसी तांत्रिक के पास जाकर आपको कोई चौकी भरने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही इस उपाय को करें जो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप खुद ही जब इस उपाय को करेंगे तो जैसा भी कोई बंधन होगा आपके घर परिवार के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपकी गद्दी के ऊपर, आपके वचनों के ऊपर, आपके सवारी के ऊपर, अगर कोई हाजिरी आती है आपके ऊपर, तो हर बंधन से आपको मुक्ति दिलाएगा। और यह भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी कि आपकी गद्दी, आपके कारोबार, आपके वचनों को, आपके शरीर को कैसे बांधा जाता है, किन शक्तियों के द्वारा बांधा जाता है। और वही तीन शक्तियां हैं आपको निजात दिलाने के लिए। इनके उपाय मात्र से ही, इनके टोटके के द्वारा ही आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो वह जो तीन शक्तियां हैं, अघोरी देव, अघोरी की शक्ति, क्योंकि जब भी कोई तंत्रक, कोई साधक हमारे घर परिवार को बांधता है या हमारे शरीर को बांधता है, गद्दी को बांधता है, वचनों को बांधता है, तो अघोरी देव को जागृत करने के बाद, क्योंकि बहुत से जो साधक होते हैं सात्विक विधि के द्वारा पूजा अर्चना करते हैं, घर में जोत बाती करते हैं, कोई दुर्गा का उपासक है, कोई हनुमान का उपासक है, या कुछ मुस्लिम तंत्र होते हैं तो उनके जो उपासक होते हैं, पैगंबरों की जो हाजिरी लेते हैं, जैसे लखदाता पीर है, या कोई भी पैगंबर है, कोई भी ऐसा कोई पीर है, पीर बाबा हैदर शेख, तो बंधन हो जाता है। जब घर में अघोर आ जाएगा तो आपके वचनों का भी बंधन होगा, कारोबार का भी बंधन होगा, शरीर का भी बंधन होगा। उसका कारण क्या है कि अघोर फैल जाएगा आपके घर परिवार में, दरिद्रता आ जाएगी। और जहाँ पर अघोर होगा तो जो जो सात्विक देवी देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, पैगंबर हैं, उनका पहरा नहीं रहता आपके घर में, घर छोड़कर चले जाते हैं, ऐसा समझो। आपके आपके घर में वह जो शक्तियाँ हैं वे काम करना बंद कर देती हैं। और इन्हीं शक्तियों ने ही आपको धन की वृद्धि करनी है, आपके कारोबार की वृद्धि करनी है, आपको दुखों से निजात दिलाना है, जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं। तो नेगेटिव शक्ति का घोरी का वास हो जाता है और पॉजिटिव शक्ति आपके घर से बाहर निकल जाती है। और दूसरी जो शक्ति है
वह है मसाने की, शमशान की विद्या। शमशान का बंधन लगाने के बाद, तांत्रिक विद्या के द्वारा बलि वगैरह देने के बाद आपके घर के ऊपर इसको छोड़ दिया जाता है, शमशान का बंधन। कोई ना कोई ऐसा कोई प्रेत होता है शमशान का, तो वह आपके घर परिवार के ऊपर लग जाता है, तो घर में कला क्लेश, गाड़ियों के एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है तुरंत ही, बिजली के उपकरण खराब, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, घर में कला क्लेश का वातावरण बन जाता है। इससे भी आपकी जो गद्दी है, कारोबार है, शरीर है, उसका बंधन हो जाता है। और तीसरी जो शक्ति है चौगान वाली माता, माता चौगानन, माता मदानन, माता कलरों वाली, माता थानों वाली, इसके द्वारा भी आपके घर परिवार शरीर को बांधा जाता है, आपके चारों रास्ते बंद कर देती है। अगर इल्म के द्वारा आपके घर परिवार जा शरीर के ऊपर जे कोई लगा दे, और बार बार आपके घर में बीमारी फैलने शुरू हो जाएगी, जैसे टाइफाइड वगैरह आपको होना शुरू हो जाएगा, बुखार नहीं उतरेगा, बार बार होगा, और रक्त विकार की समस्या हो जाएगी अगर किसी का भी ये पहरा लग जाए तो। इन्हीं का आपने उपाय करना है। ये तीन शक्तियाँ मेन, ये शक्तियाँ हैं जो इल्म में चलती हैं, जो किसी को भी बांध सकती हैं, हर इल्म को बांधने में ये सक्षम हैं, क्योंकि इनका लोभा भोग प्रसाद देने के बाद बंधन लगा देते हैं तांत्रिक साधक। तो जो जो मैं आपको देखो उपाय बताने जा रहा हूँ, आप इस उपाय को जब करेंगे तो तुरंत आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इस उपाय को करने मात्र से ही, और पहले दिन ही आपको यह रिजल्ट देगा। वैसे तो देखो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं देखो, लेकिन यह जो उपाय है देखो एक बार आपको मुक्ति दिला देगा, जो भी आपके घर परिवार शरीर के ऊपर बंधन है तो आपको तुरंत ये मुक्ति दिला देगा अगर कोई भी बंधन होगा। लेकिन कुछ साधक, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो आपका पीछा करते हैं, बार बार आपके ऊपर ये नेगेटिविटी लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन साधक करते हैं वीडियो के नीचे कि गुरुजी अगर दोबारा हमारे ऊपर किसी ने बंधन लगा दिया तो दोबारा से आपको यही उपाय करना पड़ेगा, या फिर आप अपने घर का बंधन करवा लें, कीलन करवा लें किसी अच्छे तंत्र, किसी अच्छे साधक के द्वारा, तब भी ये नेगेटिविटी नहीं लगती। क्योंकि पहले ही जो घर का बंधन होता है, घर में उनको बिठा दिया जाता है आपके पूरी रक्षा के लिए, वह शक्तियों का लोभा भोग प्रसाद, पहले जो को अच्छा तांत्रिक साधक होता है तो बंधन हो जाता है, कीलन हो जाता है, तो उसके बाद जो भी कोई आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति नेगेटिविटी लगाता है तो उसी के ऊपर द्वारा से पलटवार हो जाता है, उसके ऊपर वह विद्या लग जाती है। तो इससे जो आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव, कुल देवी जो भी होते हैं, तो वह आपके घर की रक्षा करते रहते हैं। छोटे छोटे उपायों से ही आपको रिजल्ट मिलता रहता है, क्योंकि नॉर्मल उपाय तो हर साधक करता ही रहता है, कि जैसे दरवेश को, डॉगी को रोटी डाल दिया, कभी दो लड्डू डाल दिए, घर में लस्सी वगैरह का छींटा दे दिया, धूप दीप करी, तो उससे ही सुरक्षा होती रहती है जब घर का कीलन बंधन हो जाता है। लेकिन यह जो मैं आपको उपाय, ये जो टोटका बताने जा रहा हूँ, इससे तुरंत आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, एक चमत्कार के रूप में, चमत्कारी ये उपाय है, आप कर देखें तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने उपाय किया है, 7 दिन के बाद, 11 दिन के बाद, अभी उपाय करो तो तुरंत रिजल्ट पाओ, ऐसा ये टोटका है। और ऐसी जो वीडियो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, ताकि और साधकों को भी जानकारी की प्राप्ति हो, किसी का भला हो, दुखों का निवारण हो। तो इसके लिए जो सामग्री आपने लेनी है, वैसे तो देखो किसी भी दिन कर सकते हैं जैसे बताया है, लेकिन अगर आप शनिवार को करें तो तुरंत रिजल्ट देने वाला ये टोटका, शनिवार वाले दिन इस टोटके को आप कभी कभी करते रहें। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट है जो मैंने निशानियाँ आपको बताई हैं कि ऐसी कोई हमारे घर में समस्या, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में इनकी मानता है, जो ये शक्तियाँ हैं, घोरी है, मदानन चौगानन है, माता मसानी, तो तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर नहीं भी मानता तब भी कर सकते हैं।
किसी धर्म का, किसी भी मजहब का व्यक्ति इस उपाय टोटके को कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम नहीं कर सकता या कोई हिंदू भाई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस टोटके को। तो इसके लिए जो आपने विधि बनानी है, एक आपने चौमुखा दिया लेना है, चार बत्तियों वाला दिया, चौमुखा चिराग। वह जो दीपक है आप माटी का भी ले सकते हैं या फिर आटे का, आटे को गूंदने के बाद भी वह चौमुखा चिराग आप तैयार कर सकते हैं। उसमें सरसों का तेल डाल लें, चौमुखे चिराग में चार बाती डाल दें और एक चुटकी नमक की उस तेल में, जो चौमुखा चिराग है, एक चुटकी नमक की और एक चुटकी ही लाल मिर्च की उसी तेल में, और थोड़ा सा मिठान आप मिश्री डाल सकते हैं, एक बतासा डाल सकते हैं, कुछ भी मिठान डाल दें। ये तीनों शक्तियों का एक चौमुखा चिराग है, अघोरी, मसानी और माता मदानन का एलम। तांत्रिक विद्या के द्वारा आपने इस चिराग को रोशन करना है। उसके बाद यह जो चौमुखा चिराग है इसके ऊपर आपने सिंदूर ले लें, लाल वाला सिंदूर, और इस लाल सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला लें, सरसों का तेल थोड़ा सा मिलाकर इसके चारों तरफ चार टीके आपने लगा देने हैं। चारों तरफ जो चौमुखा चिराग है जहाँ पर बाती लगाएंगे, चार टीके लगा देने और बेनती करनी है आदि शक्ति माता मदानन चौगान वाली माता को, अघोरी देव को, क्योंकि शिव का ही जो रूप है अघोरी देव, बहुत सी शक्तियां अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि अघोरी के द्वारा कोई बंधन ही किया जाता है, अघोरी के द्वारा नेगेटिविटी भी दूर की जाती है, जो कोई बुरी शक्ति है उसको दूर किया जाता है। जहाँ पर अघोरी देव की शक्ति चलती है तो और कोई शक्ति नहीं पहुँच पाती। जैसे कोई भी ऐसी है, कोई दरिद्रता में है या किसी लेडीज, जैसे कोई किसी के बाल बच्चा होता है तो उस समय कोई और शक्ति काम नहीं करती, तो अघोरी मदानन के द्वारा कोई उपाय हो जाता है तो जो नेगेटिविटी होती है ये उतार देते हैं, घोर में भी ये काम करते हैं। अगर हम जो इल्म है उसका सही इस्तेमाल हम करें तो ऐसा नहीं कि बुरे के लिए ही घोरी देव को प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे चार वो लगाने के बाद, टीके लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने सात बड़ के पत्ते लेने हैं, बोहड़ के पत्ते, बरोटे के पत्ते, पंजाब में बरोटा बोलते हैं और कहीं पर बड़ बोलते हैं, बड़ वृक्ष के सात पत्ते, और वह जो सात पत्ते हैं उनको पहले पानी से धो लें। पानी से धोने के बाद घर का कोई भी सदस्य जो सिंदूर है, एक एक टीका सिंदूर का उनके ऊपर लगाना है, सातों पत्तों के ऊपर, और एक एक टीका ही काजल का लगाना है सातों पत्तों के ऊपर। उसके बाद सात प्रकार की मिठाई लेनी है, सात प्रकार की मिठाई का एक एक पीस ही लेना है, वजन कितना भी हो जाए, और इन सातों पत्तों के ऊपर एक एक पीस आपने रख देना है, सातों पत्तों के ऊपर एक एक पीस आपने रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कोई बड़े वाले, कोई थाल, कोई प्लेट ऐसी आप कोई ले लें, उसमें ये जो चौमुखा चिराग है उसको रख लें, और ये जो सात प्रकार की मिठाई है, सात पत्ते हैं, उनको भी उसी में आपने रख लेना है, और उसके बाद चौमुखा जो दिया है उसको रोशन कर दें रात्रि के समय, अंधेरी रात में जब पूरे सदस्य आप घर में हों, तो चौमुखा चिराग रोशन करने के बाद जहाँ पर भी आपको लगता है कोई बंधन है, घर का बंधन है, कारोबार का बंधन है, शरीर का बंधन है, गद्दी का बंधन है, तो जहाँ पर भी कोई बंधन लगता है इसको चौमुखे चिराग को लेकर पूरे घर में घूम जाएं, पूरे घर में लेकर इसको घूम जाएं, और जितने भी सदस्य हैं आप अपने घर में तो उनके ऊपर से एक एक बार ऐसे घुमाते रहें, और जो व्यक्ति खुद भी इसको करेगा, जो उतारा करेगा, उसने भी ऐसे इसको अपने ऊपर से एक बार घुमा लेना है या माथे को लगा लें, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि वह शक्तियाँ बहुत जल्दी जागृत होंगी इस उपाय के द्वारा, क्योंकि ये शक्तियाँ ही ऐसी हैं।
पहले आपने अरदास बेनती दुआ करनी है, जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता कुल देव कुल देवी हैं तो उनका आप ध्यान करें कि हम जो उपाय जो टोटका करने जा रहे हैं आप हमारी रक्षा करें, हमारे घर में पहरा दें और जो भी कोई नेगेटिविटी बुरी शक्ति है इसका आप निवारण करें। उसके बाद आपने ये जो दिया है, ये जो चौमुखा दिया है, जलता जलता दिया घर के बाहर लेकर निकल जाएं, जो घर का मेन गेट है उसके दाएं या बाएं तरफ आपने इसको लगा देना है। जैसे हम घर में कोई हवन वगैरह करते हैं क्षेत्रपाल के नाम का, जैसे हम चौमुखा दिया अपने घर के आंगन के बाहर लगाते हैं, तो घर के आंगन के बाहर एक साइड के ऊपर दिए को रखकर आपने फिर वो जो पत्तल है, जो सात बड़ के पत्ते हैं जिनके ऊपर सात प्रकार की मिठाई रखी है, घर से बाहर खुले कलर मैदान चौगान के ऊपर चले जाएं। जब माता रानी का थान हो मदानन का तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, किसी बहती नदी के किनारे भी आप जा सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर इसको अर्पण कर आ जाना है। ये सातें पत्तल ऐसे रखकर आपने आ जाना है। और उसके बाद घर में आते ही घर में कच्ची लस्सी वगैरह का छींटा दे सकते हैं, गंगा जल का छींटा दें, कोई भी धूप दीप आप अपने घर में करें। तो इस उपाय को कर कर देखें, जो भी कोई बंधन होगा, कोई भूत प्रेत का भी बंधन होगा किसी के शरीर के ऊपर, तो चिल्लाकर घर से बाहर भागेगी। और किसी के ऊपर सवारी हाजिर नहीं हो रही, कोई बंधन कर रखा है तो तुरंत सवारी हाजिर होगी इस उपाय को करने से। अगर किसी के शरीर के ऊपर बंधन है तो जो है चौमुखा चिराग आप जगाएंगे, वो जब सारी पत्तल आपने उसमें थाल में रख ली तो उसकी तरफ एक दो मिनट देखता रहे उस दीपक की तरफ, तो जो भी नेगेटिविटी होगी तो चिल्लाकर बाहर भागेगी। तीन शक्तियां नजर आएंगी उसको, अघोरी, माता मसानी मेलडी और माता चौगान वाली। इस उपाय को कर कर देखें तो जो बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े मंत्र जो काम नहीं करते, बड़े बड़े अनुष्ठान जो काम नहीं करेंगे, तो इस उपाय को कर कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में ये आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।